आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शनि मंदिर के बाद आज ये दूसरा सामने एक मंदिर और है, वहाँ का मैं दिखा रही हूँ। और शनि मंदिर के आजू बाजू वड़ा पाव की दुकानें हैं, उनको भी मैं इस ब्लॉग में डालूंगी। और एक दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, वो भी हम इसमें दिखाएंगे। आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। जय माता दी। मंदिर के आसपास जो बना हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसका आनंद लीजिए। तो हर हफ्ते आते हो आप लोग? आवाज कम कर। इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है फ्राइड राइस, नूडल, सूप, पूरा चाइनीज आइटम है यहाँ पर। ये मंचाओ सूप, लेमन कोरिएंडर, अभी दिखाएंगे आपको गर्मा गर्म वड़े बनते हुए। ये बन रहे हैं वड़े। एक वड़ा कितने का देते हो? एक वड़ा कितने का देते हो? 15 रुपये। लेकिन वड़े बहुत अच्छे बन रहे हैं। बताओ अभी इसमें क्या क्या मिक्स किया है? इसमें बताता है, बनाना है, ग्रीन पीस। ये क्या बन रहा भैया? यहाँ पर वड़े बन रहे हैं अभी। सन सिटी में रहते हैं, सैटरडे हम लोग आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो गाइस जो भी इनका वीडियो देख रहे हैं जरूर से इनको सब्सक्राइब करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। थैंक यू। हमारे शनि मंदिर की पूरी यात्रा हो गई है, अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो सामने एक जगह ग्रीज करके जगह है, वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, यहाँ हम दर्शन के लिए जाएंगे। आप भी दर्शन कीजिए। ये तो अभी सीमेंट का इतना अच्छा बना दिया, पहले कच्चा था, पहाड़ जैसा लग रहा है। हाँ का पहाड़ लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मंदिर के ऊपर चढ़ के तो और अच्छा लग रहा है। आम के पेड़ है, काजू है, काजू के पेड़ है, काजू है, नारियल है। थोड़ा ऊपर चढ़ना है, फिर भगवान का मंदिर है ऊपर। इधर के ही हो? ओके, थैंक यू। हमेशा आते हैं क्या? पहली बार आ रहे हैं? हमेशा आते हैं। अच्छा, हमेशा आते हैं। नीचे से ऊपर चढ़ के फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं और सुंदर मंदिर है। अभी अंदर जाएंगे और आप लोग भी दर्शन कीजिए। आज का ब्लॉग और मंदिर की जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। वसई के दो मंदिरों की जानकारी हमने आपको दी है, बहुत सुंदर मंदिर है। हम लोग एक्चुअली लेट हो गए हैं, मंदिर बंद होने वाला है थोड़ी देर में। सौ साल पुराना मंदिर है, दत्ता जी का मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान। आपका नाम क्या पंडित जी? आपका नाम? हमारा जयप्रकाश। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? हमारा मकान इधर है। अच्छा, नीचे मकान है तो आप ही देखभाल करते हैं मंदिर की पूरी। अच्छा, सुबह कितने बजे खुलता है मंदिर? सुबह 7 बजे। अच्छा, 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बंद कर देते हैं। अच्छा, दोपहर में बंद कर देते हैं। 7 से 8 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, सुबह तो लोग कम आते होंगे ना? सुबह लोग कम आते हैं, ज्यादा आते हैं? शाम के समय ज्यादा रहते हैं।
मंदिर 100 साल पुराना है, ये पंडित जी ने हमें अभी बताया। ये दत्त का मंदिर है, ये आपको यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा मंदिर है और सामने गौ माता का पूरा चरण और ये पूरा मंदिर है। ये मंदिर का पूरा व्यू है, यहाँ पे नारियल के पेड़, काजू के पेड़, बरगद के पेड़ और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी है, पेड़ है काफी यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। बादल लगे हुए हैं आकाश में, खूब बादल, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अब बरसात ऋतु आने वाली है और बरसात ऋतु का आनंद ही एक ले रहे हैं हम यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।